Sir, Narendra Kumar Kashyap. Thank you, sir. With Videk 2015 Vinyog Videk 2015 सरकार की आवश्यकता और संविधान की बाध्यता और सदन की परंपरा है इसको पास करने की, वो होगा। लेकिन एक बात जो मुझे कहनी है खास तौर से कि सरकार के इस विधेयक का, विनियोग विधेयक का एंटायर कंट्री में क्या प्रभाव है, क्या कुप्रभाव है, जब तक सरकार इस बात का आकलन ना करे, उनको अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे काम का अंदाजा नहीं हो पाएगा। सरकारें जब सत्ता में आती हैं, जनता के बीच में बहुत सारी प्राथमिकताएं, बहुत सारे एजेंडे जनता के बीच में पेश करते हैं इस बात को लेकर कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इन तमाम बातों पर विचार करेंगे, तमाम बातों पर काम करेंगे। एनडीए की सत्ता आई, आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप में सरकार बनी और चल रही है, लेकिन शायद सरकार और सरकार के लोग उन बातों को, उन मुद्दों को अभी भूले हैं जिन मुद्दों और जिन बातों को लेकर उन्हें सत्ता में आने का सौभाग्य मिला। दो तीन बातें और माननीय सदस्यों ने भी कहा, काले धन का मुद्दा बहुत बड़ा था, सरकार की इस पर कारगुजारी अभी शून्य है, महंगाई पर लगाम लगाने का एक बड़ा सवाल था, लगाम छोड़िए महंगाई बढ़ी है, 15 लाख रुपए की बात भारतीयों के अकाउंट में देने की बात हुई, लोग हमसे भी सवाल करते हैं सांसद होने के नाते के बताओ 15 लाख कब आएंगे, कोई जवाब हमारे पास नहीं है, ना सरकार के पास है। किसानों के हालात और किसानों की दुर्दशा पर चर्चा पूरे देश में और पूरे सदन में लंबे समय से चल रही है, जवानों की दुर्गति देश की सीमाओं पर क्या है कहने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया जान पा रही है। अच्छे दिन आने का आभास और सपना दर्शाया गया, दिखाया गया, कितने अच्छे दिन आए, कितने बुरे दिन आए, इसका अंदाजा देश अपने आप लगा रहा है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सत्ताधारी पार्टी के द्वारा किए गए तमाम ऐलान जनता की निगाहों में चकनाचूर आज होते हुए नजर आ रहे हैं। महोदय, हमें इस बात को कहने में बड़ी तकलीफ है कि आपने टैक्स सारणी में कोई भी ऐसी नई व्यवस्था, कोई भी ऐसा नया प्रावधान नहीं किया जिसको देख के जनता, देश की जनता ये महसूस करे कि एनडीए की सरकार आई और ये काम अच्छा हो गया। मुझे बड़ी हैरत हुई बजट को देख के, इस बार नई व्यवस्था कर दी बजट में, वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन को विभाजित कर दिया, 60 साल की उम्र तक के लिए ये सारणी होगी, 80 साल और उससे ऊपर के लिए ये सारणी होगी, बजाय इसके कि महिलाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में कोई छूट मिलती, कोई रिबेट मिलती, उस वर्ग में आपने विभाजन कर दिया। पता नहीं इसका फायदा किसको कहां मिलने वाला है, ये बात अभी देश नहीं समझ पाया। इसके अलावा एक बड़ी समस्या, बड़ी चीज महोदय, पंजाब का चर्चा मैं आपके बीच में करना चाहता हूं। मनरेगा के देश के अंदर स्कीम चली, करोड़ों लोगों को उससे रोजगार मिला, कुछ को नहीं भी मिला, लेकिन आज उपसभापति महोदय दिक्कत ही आ गई देश के अंदर के मनरेगा की स्कीम में काम करने वाले लाभार्थियों को जो उनका परिश्रम मिलना चाहिए, जो उनकी मेहनत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। और माननीय मंत्री जी, मैं स्पेशली आपको पंजाब का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि एक साल हो गया, एक साल पहले जिन मजदूरों ने मनरेगा की स्कीम में काम किया था, एक साल गुजरने के बाद भी उनको वो उनका वाजिब हक, वाजिब मजदूरी नहीं मिली है, और सरकार अपनी पीठ थपथपाए जो मर्जी कह ले, ये अलग बात है, ये अलग विषय है, लेकिन सच ये है
कि अभी तक उस स्कीम पर काम नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर की चर्चा करना चाहता हूं। अभी 2014 में जम्मू कश्मीर के अंदर व्यापक स्तर पर बाढ़ बरसात आई और सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 2014 की उस बाढ़ बरसात में 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान जम्मू कश्मीर के आवाम का हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में गए, 10,000 करोड़ रुपए का उन्होंने ऐलान किया कि हम जम्मू कश्मीर के पुनर्वास के लिए, विकास के लिए देंगे। 734 करोड़ का उन्होंने ऐलान किया कि हम स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे। 137 करोड़ रुपया उन्होंने बोला कि हम अस्पतालों पे खर्च करेंगे। हमने पार्लियामेंट में सवाल लगाया कि कृपया बताया जाए कि 1,00,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 11,000 करोड़ का ऐलान हुआ, सरकार ने अभी तक जम्मू कश्मीर को कितनी धनराशि जारी की है। सभापति जी जान के हैरत होगी कि 1,00,000 करोड़ का लॉस, 11,000 करोड़ का ऐलान और अभी तक जो अमाउंट जारी हुआ है वो केवल 1,000 करोड़ है। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की संवेदनशीलता, सरकार के विकास की गति को बढ़ाने की नीति कितनी तत्पर है, कितनी तेज है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी, मैं आरोपित करने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, मेरी विनती है कि देश में और खासतौर से पंजाब में जो मनरेगा की स्कीम का 1 वर्ष से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद पेमेंट नहीं हुआ, उसकी व्यवस्था करा दें। जम्मू कश्मीर में जो अभी तक 1,00,000 करोड़ का नुकसान हुआ उनकी भरपाई नहीं हुई, उस पर भी विचार कर लें। और किसानों के हालात के बारे में लंबी चर्चा हुई है, दो दशक में 3,00,000 किसानों ने आत्महत्या की है, दिल्ली में आके किसान मरे हैं, बर्बादी है, जवान सीमाओं पे मर रहे हैं, बड़े मुश्किल हालात हैं। सरकार को इन तमाम बातों को आईना बना के देखना चाहिए कि आखिर आप कहां खड़े हैं। आईने में आप ईमानदारी से देखेंगे तो महसूस करेंगे कि देश में आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं इस विधेयक पर ज्यादा न बोलते हुए मैं कहूंगा कि सरकार सच्चाई को जाने, देश विकास चाहता है, तरक्की चाहता है, काम चाहता है। नथिंग मोर विल गो ऑन रिकॉर्ड।